आप शंकर भगवान को अगर 108 बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, चावल चढ़ा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, शिव को आप एक ही बेलपत्र पर चंदन की बेलपत्री की जो डंडी आप पीछे से डूट तोड़ देते हो, उसी डूट को चंदन में भिंगोकर 108 बार पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर उसकी एक एक 108 बिंदी भी आप अगर बेलपत्री पर लगाकर अपनी कामना कर बाबा से दिल की बात कहकर आप अशोक सुंदरी वाली जगह पर छुआ कर कटी वाले भाग को छुआ कर शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते हो, दुख कितना भी बड़ा हो मेरा शंकर काट ही देता है, काट ही देता है। पर आप अगर चंदन हाथ से 108 बार लगाओगे तो कहीं दिखेगा ही नहीं, लगेगा एक ही जगह लगता है। पर जो डंडी का डूट आपने पीछे से तोड़ा हुआ है बेलपत्र चढ़ाने से पहले, उसको भिंगो कर उससे आप 108 बार अपने हृदय की बात शिव को दिल से, वो कहते ना जैसे पहले के लोग पत्र लिखते थे तो बड़े दिल से लिखते थे, काकी जी मने थारी याद आवे, बस ये बेलपत्र नहीं है, ये हमारा जब जब महीने भर में कोई अष्टमी तिथि पड़े, प्रदोष पड़े, सोमवार पड़े, प्रयास करा कर, क्या सोमवार पड़ रहा है, अष्टमी पड़ रही है, आज प्रदोष पड़ रहा है, मेरे मन की बात मुझे शंकर भगवान को कहना है, शिवरात्रि पड़ रही है महीने भर में, हर महीने आती है, कभी आपके मन में आ जाए कि मैं नियम लेती हूँ कि प्रत्येक शिवरात्रि पर मैं चंदन का जल शिव को समर्पित करूंगी, मैं लाल चंदन का जल, मैं पीला चंदन का जल शिव को समर्पित करूंगा, मैं प्रदोष को, मैं भले व्रत नहीं करती, मैं भले प्रदोष का व्रत नहीं करती, पर मेरा मन है 108 चावल के दाने मैं अशोक सुंदरी वाली जगह पर शिव को समर्पित करूं। आप नियम बनाओ, क्या होता है, क्या होता है, जब हम जैसे 108 मनके की माला से जप करते, ठीक है, और फिर उसका आधा कर दो 54 मनके की माला, फिर 27 मनके की माला, जब हम मनकों की माला से किसी जप को कर रहे होते हैं, किसी जप को जप रहे होते हैं, जितना फल हमें मंत्र माला जपने से प्राप्त होता है उतना ही शंकर भगवान के सम्मुख में बैठकर एक एक बेलपत्र जब हम समर्पित करते हैं शंकर का नाम लेकर, उस फल की गणना दुनिया का कोई जीव नहीं कर सकता, उस बेलपत्र को समर्पित करने के। कभी कोई विकट समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, सुलझ ही नहीं रही है, और आप बहुत परेशान हो गए कि ये समस्या तो सुलझ ही नहीं रही है, बहुत बहुत हमने कर लिया, बहुत कुछ करा, कई कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें 3-4 बार पशुपति व्रत भी कर लिया होगा, हो सकता है नहीं सुलझ रही, अभी कभी कोई कोई पाप कर्म व्यक्ति के पूर्व के इतने प्रबल होते हैं कि वो कटने में भी समय ले ले। पर शंका मत करना कि मैंने तो भगवान शंकर की आराधना करी और मेरा ये काम नहीं हुआ था, शंका मत करना, क्या शंका करना, और करो तो करो, वैसे भी शंका उसी पर होती है जिसकी कीमत होती है, सही है कि गलत है, सोना और लोहा वो भी धातु है, वो भी धातु है, कभी तुमने लोहार की दुकान पर जाकर पूछा असली है, कभी लोहार की दुकान पर जाकर पूछा तुमने लोहे को असली है, पर तुम सुनार की दुकान पे जाके क्या कहते हो, जम के बोलो जरा, क्यों भैया असली तो है ना, कितना कैरेट का है, सही साइड तो है ना, चूड़ी काली पड़ गई तो सोच लेना, पहले बोल दे रही है, मैंने अभी मंगल सूत्र बनवाया ना, कानका ने झुमका बनवाया, ये काला पड़ी गया नहीं तो समझ लेना असली तो है ना, मतलब शंका लोहे पर कभी नहीं हुई तुम्हारी, तुमने कभी लोहार की दुकान पे जाकर नहीं किया, क्यों रे असली है, तो लोहार भी तुम्हारा मुंडा देखेगा पहली मिली जमाने में जो लोहे को पूछ रही कि असली है, लोग शंका कहां करते हैं जिसकी कीमत होती है, जो असली है, जो सही जगह पर है,
जो सही मार्ग पर चल रहा। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो रोज भगवान का भजन करते हैं, हम रोज भगवान की पूजन करते हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं, हम रोज लोटा भर के पानी चढ़ाते हैं, मैं तो एकादशी करूं, प्रदोष करूं, शिवरात्रि करूं, सोमवार करूं, मंगलवार करूं, सारे सारे बार करूं, इसके बाद भी सबसे ज्यादा दुखी में समझ लेना सोना है। थोड़ा तो लोहा और सोने में दोनों में अंतर है, बहुत अंतर। थोड़ा शंका हो सकती है, दुख आ सकता है, तकलीफ आ सकती है, कष्ट आ सकता है, सब कुछ होगा, पर हार ना मती। लोहे को देखकर ये मत सोचना कि वो तो एक ही बार में सही सेट हो गया, मेरे को तो हर बार ले जाते हैं, नई बहू आती है तुड़वा के फिर डिजाइन चेंज कर देते हैं। जिसने अपने घर की जाली एक बार लगवा दी वो कभी चेंज करी? 8-10 साल 50 साल 100 साल तक लगी रही, पानी भी खाती रही, सब कुछ करती रही, और सोने की रकम तो सास ने बनवाई थी बहू के लिए, बहू को पुराना ओल्ड फैशन लगा और लेके गई, उन्हें तुड़वा तुड़वू के नहीं फिर बनवा ली, फिर वो की बहू आई उन्हें तुड़वा तुड़वू के फिर बनवा ली। किसी ने वो मकान की टीन को जाली को कभी तुड़वा के बनवाया? उसकी कीमत नहीं है। जिस पर शंका जा रही है समझ लेना, लोग अगर ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं, तुम्हारे ऊपर उंगली पर उंगली उठाई जा रही है, दुनिया के लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं, समझ लेना कि कीमत तो तुम्हारी ही है, बाकी के तो सब लोहे के टुकड़े हैं। कीमत तुम्हारी है, बाकी के सब लोहे का टुकड़ा, उसकी कोई कीमत नहीं। कौन पूछे लोहार की दुकान पे जाके, जब तुमने लोहे का पलंग बनवाया, लोहे की तगाड़ी बनवाई, तो तगाड़ी वाले से पूछा असली है, तो लोहार भी कहेगा ओ जगदम्बा कहां से आई दादा, चल जा। अभी में असली और नकली क्या करे, लोहे में लोहा तो लोहा, पर सोने में तुरंत शंका पैदा हो गई। पहले बोल दे रही वो काला पड़ी गया नहीं कितना कैरेट का, फिर वो के इके तो पीछे वो कौन सा होलमार, हाँ वो भी लगा हुआ है, तो के भले लगा रहे आज का जमाना में, तो परंतु असली असली शंका है, अभी भी शंका। बेटे की शादी करो, नई बहू आए तो भी शंका। ओरिजिनल है सोने का खान, सोने का टुकड़ा, सोने की रकम, फिर शंका। घर लेके चलेगी कि नहीं चलेगी? अभी हम बारात में गए थे तो इसकी माँ तो इतनी गड़बड़ कर रही थी, आगे आगे बढ़ के तो ऐसी तेज तर्राट निकल गई, तो आज के जमाने में लोग तुरंत कह देते हैं देखना बहुत तेज तर्राट तो नहीं है, तो मतलब तेज तर्राट ऐसी लिया गप्पी भाई नीचे बैठी। अरे भगवान से प्रार्थना करो ऐसी तेज तर्राट मिले, क्योंकि तुम तो निपट के चली जाओगी, सारी दुनिया से निपटने के लिए इसको तैयार मिलना चाहिए। काय को गप्पी लाइन में बिचारी ऐसी लिया ही गुमशुदा तलाश के अंदर एक घंटा तक मुंडा डाली बैठी। घर में से घर का सदस्य जब घर से बाहर निकलता है तो झाड़ू पोछा नहीं लगाया जाता। कोई घर का व्यक्ति घर के बाहर जा रहा है, कोई काम से जा रहा है, कोई जरूरी काम से जा रहा है, कोई विशेष काम से निकल कर जा रहा है, और घर की बहुएं उसके जाने के बाद झाड़ू पोछा लगाएं तो वो सिद्धता नहीं है, वो श्रेष्ठता नहीं है। किसी के जाने के बाद झाड़ू पोछा कब लगता है तुमको अच्छे से मालूम है? आसूड़ा ढलकाती जाए और झाड़ू पोछा लगाती जाए, ये कब लगता है? जब कोई अच्छे से ही चला जाता है तब झाड़ू पोछा लगता है। सनातन हिंदू धर्म की आज भी रीति है, कोई जाता है घर से, अपने घर का व्यक्ति सदस्य कोई विशेष कार्य के लिए जा रहा है तो झाड़ू पोछा नहीं लगना चाहिए, थोड़ी बाद में, या तो पहले लगाओ या फिर आधा एक घंटा रुक जाओ उसके बाद में लगाओ।